हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग ऑफ विशन फ्रॉम माय डांसेस। आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं, आज मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड बिगेस्ट, बिगेस्ट भी नहीं बोल सकते, इंडिया का भी और एशिया का भी लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट है ये कॉलेज स्ट्रीट। वीडियो में दिखाने की कोशिश रहेगा कि मतलब कितना बड़ा ये मार्केट है और हर एक टाइप का कलेक्शन ऑफ बुक्स यहाँ पे है, तो दिखाने का कोशिश रहेगा, आप लोग देखते रहिए। तो काफ़ी नया चीज़ मेरे को भी पता चला और आप लोग को भी लिए भी नया चीज़। मैं पहले कैब से जाने का सोच रहा था, बट बाद में देखा यूबर बाइक ने मतलब मैं ज़्यादा कम दिखा रहा था, इसलिए मैं सिंगल बाइक ही लेना पसंद किया। फिर आप लोग भी अगर सोलो ट्रैवल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कैब वगैरह मत लीजिए, इधर बस में जाइए। अगर टाइम मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा तो यूबर बाइक कर लीजिए। मेरे को जैसे 98 रुपीज़ के आसपास पड़ा है कॉलेज स्ट्रीट पहुंचने के लिए, बाइक ने दिखा रहा था, तो मैं यही मतलब ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव समझा। कोलकाता का जो ये सब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जो एंशियंट बिल्डिंग है, यहाँ तो मतलब आके मेरे को बहुत पसंद होता है ये सब बिल्डिंग, थोड़ा पुराना नॉस्टैल्जिया टाइप मतलब फील आता है, कितना मतलब मस्त लगता है मेरे को ये सब जगह। और ये जगह बहुत मतलब पुराना भी है एंशियंट का, कॉलेज स्ट्रीट में जाएंगे तो आप भी समझ सकते हैं। यहाँ 1817 से लेकर बहुत कुछ मेमोरेबल चीज़ है वहाँ पे। हम लोग अप्रोक्सीमेटली कॉलेज स्ट्रीट पहुँच ही गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा मतलब बुक वगैरह लेके जा रहा है, ये थोड़ा बैक साइड है कॉलेज स्ट्रीट का, तो जैम बहुत है, तो मेरे को लग रहा है कि उतर जाना ही सही रहेगा। हाँ, पहुँच गए हम लोग कॉलेज स्ट्रीट, देखिए कितना सारा बुक्स, मतलब इतना ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। देखते हैं कुछ दुकान में जाएंगे, सुनने को आता है तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ बुक्स का यहाँ पे कलेक्शन है, कोई भी मेडिकल से लेकर कुछ भी बुक्स आप यहाँ पे मिल जाएगा, रेयर टू रेयर बुक्स, बोई बाजार, मतलब क्या बोले हम। आप लोग देख सकते हैं मेडिकल, बायोसाइंस, MBBS, लॉ, UPSC, BSC, BA, BCOM, WBCS, इंजीनियरिंग, सब कुछ है। गेट का है, IAS एग्जाम है, मेडिकल है, NCERT का बुक, नीट का तैयारी, किसी बुक का भी सबका बुक्स मिल जाएगा यहाँ पे। ह्यूज कलेक्शन, मैं फिर से बता रहा हूँ, ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, बाप रे बाप। मेरे को लगता है कुछ लिस्ट निकाल के लाना चाहिए था। यहाँ कुछ कुछ बुक्स मेरे को पसंद आया, जीरो लिमिट, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, गीता, रीवर्क, 0 to 1, यहाँ थोड़ा कलेक्शन ठीक लगा मेरे को। है तो सब जगह यही बुक तो, बट यहाँ पे द ऑब्स्टकल, द वे, देखिए यहाँ पे 11-12 CBSE, NCERT सब बुक्स है, तो मैं ये दो बुक चूज़ किया हूँ मेरे लिए। ये और एक जगह बुक लेके हम लोग आ गए हैं, दूसरे साइड है कॉलेज स्ट्रीट का, हर तरफ पॉलिटेक्निक भी लिखा है यहाँ पे, देखिए इंजीनियरिंग, हर तरह, इतना बुक्स कलेक्शन है ना क्या बोले। एक आदमी से तो पता चला ये 900 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब लेंथ वाइज, तो मेरे ख्याल से ठीक ही बोला है, 900 मीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि छोटा तो हो सके तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा लेंथ वाइज बड़ा ही लगा। तो चारों तरफ बहुत बुक का कलेक्शन, आप अगर ठीक तरह से आप ले सकते हैं तो आपको बहुत ही कम दाम में आपको अच्छा कलेक्शन ऑफ बुक्स मिलेगा, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है। तो
सब लोग वहाँ पे, स्टूडेंट से लेकर बड़ा लोग बहुत ले रहा है बुक्स। यही है एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस बोले तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यह है वही फेमस कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो मेरे ख्याल से 1817 से यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। वैसा परफेक्टली नहीं पता है मेरे को, मेरे को लगता है कि 1817 से है। यहाँ पे और 6-7 कॉलेज है, हिंदू कॉलेज ऐसा बहुत कॉलेज है, पॉपुलर कॉलेज जो बहुत एंशियंट टाइम से यहाँ पे है। मेरे ही पीछे है कॉफ़ी हाउस, जो कि अगर मैं जाना पॉसिबल होता है मैं आज दिखाऊंगा, नहीं तो एक नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगा। ये है ट्राम लाइन, जिन लोगों को नहीं पता है कोलकाता ज़रूर विजिट कीजिएगा ट्राम देखने के लिए। मेरे को तो चढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ट्राम लाइन। देखिए रास्ते के बीच में बिछा हुआ है, देखिए हर जगह बुक्स ही बुक्स, इसीलिए ना नाम पड़ा है एशिया का लार्जेस्ट और इंडिया का भी लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट है ये कॉलेज स्ट्रीट। क्या बताएं, मेरे जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा देख के मैं निकल पड़ूंगा घर के तरफ, क्योंकि थोड़ा शाम भी हो रहा है, मेरा बुक्स भी हो गया है ले लिया मैं, तो अभी जाऊंगा घर, थोड़ा एक बार फाइनल देख लेता हूँ चारों तरफ क्या है क्या नहीं है, कुछ जगह छूटा तो नहीं, तो देखने के बाद निकल जाऊंगा मैं। साथ में रहिए, अगर मेरे को भी मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अमेजिंग जगह देखने के लिए, अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। जिन लोग बंगाली चैनल देखते हैं टीवी में, उन लोग को ज़रूर पता होगा ये अक्सर ऐड आता रहता है, आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल, ह्यूज साड़ी का कलेक्शन है ऐसा सुनने को आता है, तो यही दिखाएं आप लोग को। तो मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, क्योंकि शाम भी हो गया है और बहुत घूम लिए हैं, कॉफ़ी वगैरह भी पिए थे। तो चलिए, ये ब्लॉग करके भी मेरे को बहुत मज़ा आया, घूम के बहुत मज़ा आया, तो आप लोग लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा, आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो, और शेयर कीजिएगा, और आप लोग को भी कोई बुक का कलेक्शन चाहिए होगा तो ज़रूर इधर जाइएगा, आप लोग को बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा। कॉलेज स्ट्रीट जाने को लेके अगर किसी को मन में कुछ डाउट है कैसे जाना बोल के, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग इजीली कम खर्चों में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ धमाकेदार चीज़ लेके आते हैं आप लोग के सामने।
ये घड़ी का जगह मेरे को बहुत पसंद आता है। इस जगह में मैं आता हूँ तो ज़रूर फ़ोटो खिंचाता हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मस्त जगह है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टाटा बाय।